नमस्कार, जय भीम टीवी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक रियलिटी चेक पर निकले थे क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जो है सारे पिक्चर हॉल हैं या मूवी लाउंज हैं वो सब बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आज हम उसी को देखते हुए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे पीछे की तरफ जो मूवी लाउंज है वो पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है और यहाँ तक के मॉल के अंदर भी वो भीड़ और वो आपको चमक दिखाई नहीं देगी। पब्लिक यहाँ पर जो है वो सिमटी हुई है, घरों के अंदर कैद है, ज़्यादातर बाहर नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ जो ज़रूरत की चीज़ है उसी के लिए बाहर निकल रहे हैं। यानी कि आप देखें तो चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए कुछ लोगों से मिलते हैं और उनसे पता करते हैं कि पिक्चर हॉल बंद होने से उनके जीवन में कैसा वो अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सन्नाटा तो है जैसे हर जगह है। क्या वजह है सन्नाटे? शायद कोरोना, कोरोना के उससे काफ़ी लोग तो कम निकल रहे हैं। लोगों के दिलों में डर है? डर तो है, मास्क पहने हुए हैं सब लोग। कहना चाहेंगे कि थोड़ा ख्याल रखें, हमने तो ख्याल रखा नहीं है हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें हम देखते थे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने आते थे और ख़ास तौर से देहरादून के लोगों को घूमने के लिए कुछ ख़ास जगह हैं, मॉल में घूमना उनकी आदत में एक शुमार है। पर आज यहाँ कोरोना वायरस के चलते जो है वो बिल्कुल सन्नाटा है। दुकानदार बाहर खड़े होकर कस्टमर्स का इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन कस्टमर जो है वो नदारद हैं, कहीं दूर दूर तक भी कोई दिखाई ऐसा नहीं दे रहा है। मेरे सामने ही कई शोरूम हैं जो कि इस टाइम बिल्कुल खाली पड़े हैं। मैंने आम दिनों में यहाँ पर बहुत अच्छी खासी भीड़ देखी है, जी पर सर। आज सन्नाटा पस रहा है। बस सर, ये कोरोना वायरस का थोड़ा इफेक्ट कह सकते हैं इसे आप, कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में थोड़ा कतरा रहे हैं क्योंकि इसके केसेस इंडिया में भी जैसे देखे गए हैं, FRI में भी कल एक केस पकड़ा है। मैं खुद FRI से रहता हूँ। पहले यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ रहती थी, वीकेंड्स पर भी और वीकडेज पर भी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते थे डिनर के लिए, लंच के लिए। बट जैसा आप कोरोना वायरस का इफेक्ट देख रहे हैं इंडिया में, तो अब भीड़ हालाँकि कम हो गई, इसके डर से लोग कम निकल रहे हैं घर से बाहर। बट फिर भी होटलियर्स जो हैं या डॉक्टर्स और हैं, इसीलिए होटलियर्स को सेकेंड आर्मी कहा जाता है। हम लोग इस स्माइल के साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। अली साहब, आप जो है बेंगलोर रेस्टोरेंट के अंदर हैं और ये बहुत क्राउड एरिया होता था। हाँ, ये मोस्टली फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत रश होता था यहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना के वायरस के चक्कर से मतलब बहुत कम हो गया इधर पे। मतलब कोई जैसे कितने जो आते हैं गेस्ट लोग आते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट और पूरे मॉल के अंदर, अब उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। मतलब वो हिसाब से एक डर सा पैदा हो गया लोगों के अंदर, मतलब ज़्यादा भीड़ भी काफ़ी लोग आते थे। हाँ, मूवी लॉन्च में भी अभी रश कम हो गया है और हम लोगों ने पता नहीं चल रहा है नहीं चल रहा मूवी लॉन्च, हम लोगों का मॉल का पता नहीं है। बहुत रास्ता बहुत कम हो गया, मतलब एक इसी डर की वजह से कि भीड़ भाड़ इलाके में जाने से मतलब कोरोना वायरस मतलब होने का चांसेस है, ऐसा और भी न्यूज़ चैनल में सुन रहे हैं लोग, तो उस वजह से डरे हुए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो कभी फुल रहता था, आज यहाँ दूर दूर तक भी आप देखेंगे तो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ खाली खाली दुकानें दिखाई दे रही हैं। खाली खाली आप देखेंगे जो शोरूम्स हैं वो बहुत बिल्कुल एकदम खाली दिखाई दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, डर का माहौल तो है थोड़ा सा जो लोगों को, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और जो डिसीजन है गवर्नमेंट का बहुत अच्छा है, तो हमें इस चीज़ में थोड़ा सा सहयोग करना पड़ेगा, सपोर्ट भी करना पड़ेगा और अवेयरनेस भी ज़रूरी है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, थोड़ा सा लोगों की लाइफ स्टाइल पर जरूर फ़र्क पड़ेगा। थोड़ा शाम को वॉक जाते हैं घूमने तो थोड़ा सा जो आदमी का जो एंटरटेनमेंट होता है उस पर फ़र्क पड़ रहा है। बट अब इसके लिए तो हमें गवर्नमेंट का कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। इसका एक लेडी होने के नाते आपको जब आप शाम के टाइम घूमने के लिए निकलते हैं और भीड़ भाड़ वालों के लिए एडवाइजरी जारी हो गई, तो कितना कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो भैया बहुत घबराहट हो रही है, ज़्यादा तो बच्चों की वजह से हो रही है कि बच्चे क्योंकि नहीं इतनी सफाई का ध्यान रख पाते हैं, इतनी बार हाथ नहीं धो पाते हैं, तो वो ज़्यादा मुझे घबराहट हो रही है अपने से ज़्यादा कि बच्चों का कैसे ध्यान रखें, उनको कैसे बचाएं इस चीज़ से। तो बाहर तो जाना मेरे ख्याल से बिल्कुल ही जाना ही नहीं चाहिए, 14 दिन के लिए घर में ही रहना चाहिए। मैम, इस 14 दिन के अंदर बगैर एंटरटेनमेंट के बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है, पर करना चाहिए, ऐसा बचना है तो ये तो करना ही चाहिए। कोरोना वायरस के चलते जैसा कि आप देख रहे हैं कि एडवाइजरी जारी हुई थी कि पिक्चर हॉल सारे बंद कर दिए गए हैं, आज हम देख रहे हैं कि सारे पिक्चर हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ है, ताले लगे हुए हैं और कुछ लोगों जिन लोगों से हमने बात करी वो लोग भी काफ़ी उदास हैं लेकिन डरे हुए भी हैं, क्योंकि एक एंटरटेनमेंट का जो साधन था वो भी बंद हो चुका है और लेकिन कोरोना वायरस का डर उन्हें सताए हुए घर में कैद करने के लिए मजबूर किए हुए है। कैमरामैन इमरान के साथ साजिद अली, जय भीम टीवी, देहरादून।